नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको न्यूज़ चैनल या यूट्यूब के माध्यम से पता चल पा रहा है कि इजराइल में गए भारतीय कुछ मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में इजराइल में काम कर रहे मैंने अपने एक मित्र से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सभी मजदूरों को परेशानियां नहीं हो रही है, कुछ ऐसे मजदूर हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बताते चल रहे हैं कि वो मजदूर शायद नए हैं जिन्होंने इंडिया के अलावा किसी भी देश में काम नहीं किया है और उन्हें काम करने के दौरान कठिनाइयां हो रही हैं। कुछ कुछ कंपनियों में वहां के सुपरवाइजर और फोरमैन हार्ड वर्क ले रहे हैं। ऐसी कंपनियों के बारे में वो बता रहे थे कि ये कंपनियां अधिकतर चाइना की हैं। तो चाइना से तो आपको पता ही होगा कि इंडिया वालों का कैसा रिलेशन चलता है। इसके अलावा कुछ कंपनियों में यहाँ के वर्कर पहुँच चुके इजराइल में रेगुलर ड्यूटी नहीं मिल पा रहा है। महीने में एक दो दिन, पाँच दिन, दस दिन ही ड्यूटी मिल पा रहा है। तो उन भाइयों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे ही काम रेगुलर प्रोसेस में आएगा उनका काम रेगुलर चलने लगेगा। और हाँ, इस बात में सच्चाई ज़रूर है कि वहाँ पे कुछ कंपनियों में हार्ड वर्क लिया जा रहा है इंडियन वर्करों से, और कई वर्करों को इंडिया आ जाने की भी खबरें आ रही हैं। तो बाकी बचे भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही इजराइल और भारत सरकार मिल करके इस समस्या का हल निकालेगी। जो लोग यहाँ से नहीं गए हैं वो लोग तो अलग परेशान हैं कि कब वो लोग इजराइल में पहुँच जाएं और उनकी ड्यूटी चालू हो जाए। लेकिन इजराइल में जो काम कर रहे हैं सभी वर्करों के साथ ऐसा नहीं है। ऐसे वर्कर जो 1% से भी कम हैं उनके साथ इस तरीके की घटनाएँ सामने आ रही हैं। तो उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जल्द ही मेंटेन कर लिया जाएगा ऐसा सुनने में आ रहा है। भारत से इजराइल जाने वाले अन्य श्रमिक ऐसी खबरें सुन करके चिंतित हैं। तो हम चाहेंगे कि अन्य यूट्यूबर भाइयों से कि उन्हें प्रोत्साहित करते रहें कि बहुत से भाई हैं जिन्होंने पैसा जमा कर रखा है और कुछ भाइयों ने पैसा जमा भी नहीं किया है, फिर भी वो जाना चाहते हैं। तो इस मुश्किल में पड़ चुके हैं कि वो इजराइल जाएं या फिर न जाएं। मैं खुद अपने तरफ से करना चाहूँगा जाने वाले भाइयों के लिए कि अगर वो जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमेशा तैयार रहें कि वहाँ पर आपसे हार्ड वर्क कराया जाएगा। इसकी चांसेस बहुत कम रहती है, लेकिन मान के चलिए कि हार्ड वर्क कराया जाएगा। अपने आप को हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रखें। और हाँ, जाने से पहले अपने ट्रेड का कुछ हद तक काम तो ज़रूर सीख लें। इसके साथ साथ अगर आपको प्लस पॉइंट में और भी कोई काम आता है तब तो और अच्छा है। और हाँ, एक बात पर आप गौर कीजिएगा, वहाँ से रिटर्न आने वाले लोग NSDC या ITI से या फिर सरकारी विभाग के माध्यम से जो लोग गए हैं वही लोग वापस आ रहे हैं। अगर ये लोग प्राइवेट एजेंसी से गए होते तो शायद वापस नहीं आते। इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकता है कि वहाँ से वापस आने वाले भाइयों के वजह से जो भाई यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं उनके लिए परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है। श्रमिकों का चयन करने वाली वहाँ की पीवा संस्था खुद असमंजस में पड़ गई है कि वो किसका चयन करे किसका न करे। तो आज के लिए बस इतना ही, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। यह बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।